हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति। आज की चर्चा है खास मुंबई इंडियंस के नाम। आज क्या खास है? आज हम बात कर रहे हैं एक आईपीएल ऑक्शन की। आज आईपीएल ऑक्शन में सिर्फ एक ही टीम को ढूंढा जा रहा है। सबकी निगाहें सिर्फ एक ही टीम पर को ढूंढ रही हैं। सबकी नजरें एक ही टीम पर टिकी हुई है, जिसके बारे में खबरें बाजार में गरम गरम चारों तरफ फैली हुई है आग की तरह। आप सब जानते ही होंगे, हम बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही समझा, मुंबई इंडियंस की, जिसके कप्तान को लेकर इतने सवाल, इतने कमेंट्स चल रहे हैं, जो कि पूरी टीम को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। तो उन सब से निकलने के लिए मुंबई इंडियंस ने नई खबरें देने की सोची है। तो मुंबई इंडियंस अब किसको खरीदेगी और किसको रिलीज करेगी, वो तो आज की इस वीडियो से आपको पता चल ही जाएगा। फिलहाल हम बात करें मुंबई इंडियंस की कप्तान की। जी हाँ, आईपीएल ऑक्शन 2024-23 का जो चल रहा है, इसमें आज मुंबई इंडियंस के जो कैप्टन का जो चेहरा है वो रोहित शर्मा का नहीं, बिल्कुल सही समझा, हम बात करें हार्दिक पांड्या का। जी हाँ, मुंबई इंडियंस के कैप्टन के रूप में आईपीएल ऑक्शन में दिखाई देंगे हार्दिक पांड्या का चेहरा। वही उनका कैप्टन के रूप में उनका चेहरा और पोस्टर दिखाई देगा मुंबई इंडियंस की टीम पर। और अब किसे खरीदेगी, खबरें आ रही हैं, बिल्कुल ताजा खबरें आ रही हैं कि मुंबई इंडियंस ने खरीदा है जेराल्ड क्वार्ट्जी को। और प्राइस सुनकर तो आप हैरान ही रह जाएंगे, जिनका प्राइस है 5 करोड़ रुपए और जिनका बेस प्राइस है 2 करोड़ रुपए। लेकिन अब भी उनके अकाउंट में इतना पैसा है कि वो एक मतलब कम से कम 10 से 12 प्लेयर्स खरीद सकते हैं। तो आप जानकर हैरान होंगे, उनके अकाउंट में अभी भी 17.75 करोड़ रुपए हैं। ये मेरी अपनी खबर नहीं है, ये नेट पर आप जाकर सर्च कर सकते हैं, 17.75 करोड़ रुपए उनके पर्स में अभी भी हैं। जेराल्ड क्वार्ट्जी को खरीदने के बाद भी वो चाहे तो 8 अदर प्लेयर्स और 4 फॉरेन कंट्री के प्लेयर्स को खरीद सकते हैं, लेकिन फिलहाल तो वो ऑलराउंडर एक प्लेयर को ढूंढ रहे हैं। तो उन्हें रोहित शर्मा को रिलीज नहीं करना चाहिए था। हाँ, कप्तान नहीं, लेकिन प्लेयर्स में तो बने रहना चाहिए था रोहित शर्मा को। लेकिन जिन्होंने कैप्टनसी संभाली हो, तो भला वो प्लेयर बन के कैसे मतलब खेल सकते हैं, ये तो हम उनको समझ ही सकते हैं। फिलहाल रोहित शर्मा तो कर चुके हैं प्लान इस टीम से। अब हार्दिक पांड्या कैसे इस टीम को मैनेज करते हैं और कैसे अपना रुख बदल के इस टीम को जीत दिलाते हैं, गुजरात टाइजन की तरह इसको जीत दिलाएंगे या नहीं दिलाएंगे, वो तो आने वाला समय बताएगा। इसमें से कुछ प्लेयर्स को रिलीज किया गया और कुछ प्लेयर्स को अपनी टीम में शामिल किया गया है। आने वाले कुछ ही दिनों में आपको इनकी लिस्ट मिल ही जाएगी। खैर, हम आपको मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। हमसे जुड़े, खेल से जुड़े।